बस आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन स्टार्टिंग के लिए चूज करिए जो अनलिमिटेड प्लान वाला है, जिससे आप अच्छे से स्ट्रीमिंग और लाइव आ सकिए और आपको कोई भी इंटरप्शन ना हो। उसके लिए आपको क्या-क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सी कंपनी का अनलिमिटेड प्लान लें और क्यों हाई स्पीड जरूरी है और उसकी क्या-क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी क्या है, टाइम फॉर इंस्टॉलेशन कितने दिन में वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाता है, उसकी स्पीड क्या है, उसके वेरियस इंटरनेट कनेक्शन टाइप क्या है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंट आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्टार्टअप के लिए, अंडरस्टैंड वेयर मनी इज, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आप पैसा खर्चा करने जा रहे हैं वो आप कहाँ लगाने जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए आपको ये प्लान सूट करेगा कि नहीं करेगा, आपके रिक्वायरमेंट पूरा करेगा कि नहीं, और लोगों से फीडबैक लेते रहिए जिससे कि आप समझ पाइए कि जो प्लान आप लेने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। रूट्स ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, और अगर जो आप प्लान ले रहे हैं वो ग्लोबल नेटवर्क के से मैच करता है तो आप ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट कर पाइएगा, और कितना रिलायबल है आपका ये कनेक्शन। तो इन शॉर्ट हमने आपको 11 पॉइंट बताए, अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे इसको समझ सकें। सबसे पहली बात है कि आपके एरिया में जो कनेक्शन आप लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से अवेलेबल है कि नहीं है और उसकी स्पीड क्या है। हाई स्पीड कनेक्शन ले तो लीजिए आप, लेकिन अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम करेगी। प्लस जो आप प्लान ले रहे हैं उसके इंटरनेट ऑप्शंस जो कंपनी के हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लीज लाइन इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन फ्रॉम प्रोवाइडर लाइक एयरटेल, एसीटी, रिलायंस जियो एंड मोर, 4G LTE कनेक्शन विच कुड बी सरप्राइजिंगली ग्रेट विद द करेक्ट इक्विपमेंट एज वेल एज प्लान। आप ये तीन चार तरह जो हमने बताए हैं वो प्लान तो ले लीजिएगा, लेकिन आपके एरिया में कौन सा सूट कर रहा है वो आप इंक्वायरी के द्वारा पता कर सकते हो और उस प्लान को लीजिए जो आपके एरिया में अच्छा चलता है। उसके लिए आप अगल बगल नेबर में जो लोग प्लान यूज कर रहे हैं उनसे पता कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी प्रोवाइडर आइदर डोंट ऑफर सर्विस इन सर्टेन प्लेसेस और डोंट ऑफर हाई स्पीड, लोग वादा तो कर लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो दिखा के बताते हैं कि मेरा तो इतना स्पीड है, मेरी तो ये फास्टेस्ट फैसिलिटी है, मेरी सर्विस अच्छी है, मेरी सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो अर्बन एरिया के लिए तो अच्छा है लेकिन रूरल एरिया के लिए वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो आप अपने एरिया में कौन सा कनेक्शन अवेलेबल ज़्यादा अच्छे से है उसी को आप प्रिफर करिए। हेंस वाइल सर्चिंग यू शुड लुक फॉर द बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन नियरली, आपके एरिया में जो कनेक्शन अच्छा चल रहा हो वो लीजिए, कंपनी के कहने से मत लीजिए। टाइमलाइन फॉर इंस्टॉलेशन, जो जनरली लोग चाहे जियो चाहे एयरटेल कहते हैं कि 1 महीना के लिए फ्री है, उसका रीजन ये है, एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस इंटरनेट सर्विस माइट टेक बिटवीन 30 to 60 days, जो सर्विस भी आप लेते हैं उसमें 30 से 60 दिन सेटल होने में लग जाता है, और आप जो आप ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितनी जल्दी आपका इंस्टॉलेशन करती है और आपके एरिया में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कितने अच्छे से कितने दिन में सेट हो जाता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोवाइडर आपके स्ट्रॉन्गेस्ट और रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि जिसमें इंटरप्शन ना हो और आपके सर्विस अच्छी प्रोवाइड करे। अब सेकेंड थर्ड क्राइटेरिया ये आता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। एज अ कंपनी यू मस्ट गारंटी दैट यू हैव इनफ स्पीड टू अवॉइड डिसरप्टिंग रेगुलर ऑपरेशन, जैसा कि कंपनी आपसे वादा करती है कि हमारा तो
स्पीड बहुत अच्छा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज एंटायरली डिपेंड ऑन योर लोकेशन एंड सर्विस अवेलेबल टू योर कंपनी एंड कस्टमर। लेकिन ये टोटली आपके एरिया और वहाँ के सर्विस पे डिपेंड करता है कि कैसी सर्विस वो प्रोवाइड करता है और कितनी बैंडविड्थ है। अब बैंडविड्थ से मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है पर यूनिट। सम कंज्यूमर्स आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव एक्सेस टू फाइबर कनेक्शन कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट स्पीड ऑफ 1000 मेगाबाइट। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें तो वो मेगाबाइट में स्पीड में डेटा को वो ट्रांसफर करता है, जिससे वहाँ पर सेम कंपनी की स्पीड बहुत अच्छी जाती है। वेयर एज रूरल एंटरप्राइज आर लिमिटेड टू 3 to 6 MB, जहाँ की गांव के एरिया में 3 to 6 MBPS का ही DSL कनेक्शन होता है। और 5 MBPS फॉर इंस्टेंस मीन दैट यू कैन डाउनलोड अप टू 5 MB। और अगर 5 MBPS है तो आप 5 MB तक का डेटा डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। अब स्पीड जो होती है वो मेगाबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड और गीगाबाइट पर सेकेंड में मेजर की जाती है, जिसमें इंडिया में 100 MBPS से लेकर 1000 MBPS दैट मीन्स 1 GB पर सेकेंड तक की स्पीड अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पीड वाला कनेक्शन लेते हैं कि हाई स्पीड आपको मिले। तो अनलिमिटेड में भी हाई स्पीड जो है वो 100 MBPS से लेकर के 1 GB पर सेकेंड तक अवेलेबल है। कंसिडर द वेरियस इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स। अब इंटरनेट के डिफरेंट कनेक्शन टाइप हैं, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कनेक्शन ले पाते हैं, जैसे कि और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो जरूर आप जान लीजिए, तब आप कनेक्शन लीजिए। जैसे अगर आप इकोनॉमिकल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो DSL का कनेक्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर रिमोट लोकेशन में रहते हैं जहाँ कर की नेटवर्क अवेलेबल नहीं है बहुत अच्छा और आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको लीज लाइन लेना चाहिए जो कि फेयरली एक्सपेंसिव है। लेकिन आपको अगर वो नहीं लेते हैं तो आपका वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लीज लाइन इज कंसिडर्ड द बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन फॉर लैपटॉप। तो इस तरह से आप जो हमने बताया आपको कि इस तरह के कनेक्शन आप ले सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट भी आपको चाहिए होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके कनेक्शन में तो ISP दैट ऑफर 24 आवर टेक्निकल हेल्प फॉर बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो हेल्प करे और तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अदरवाइज आपका काम रुक जाएगा। कंसिडर द रिक्वायरमेंट फॉर योर स्टार्टअप। अब आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, किस टाइप का काम आप करने जा रहे हैं उस इंटरनेट अनलिमिटेड प्लान के थ्रू, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी लॉन्ग टर्म में उससे क्या डिमांड है। और अगर मान लीजिए आपका फ्लरिश होता है बिजनेस तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपको बाद में करनी पड़ती है, तो वो किस तरह से आप अपने प्लान को कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें आप चौक आउट कर लीजिए तब प्लान को लीजिए। लार्जर स्टार्टअप नीड फास्टर स्पीड इन एडिशन टू 24 आवर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। और अगर बहुत अधिक आपका बिजनेस बढ़ गया तो आपको 24 घंटा के लिए मेंटेनेंस और स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड वेयर योर मनी इज बीइंग स्पेंट। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप कहाँ स्पेंड करने जा रहे हैं ये आपको यूज करने से पहले पता होना चाहिए। डोंट जस्ट लुक एट द बैंडविड्थ, केवल बैंडविड्थ की पर यूनिट कितना स्पीड से डेटा आ रहा है चेक करने से नहीं होगा। मेक एन एफर्ट टू इवैल्यूएट एंड मेनी ऑप्शन एज फिजिबल। आपको लेने से पहले जितने भी पॉसिबल ऑप्शन हैं वो सारे आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चूज एन इंटरनेट कंपनी दैट कैन प्रोवाइड बोथ क्वालिटी एंड प्राइसिंग। आपको क्वालिटी के साथ कम प्राइस में अगर कुछ मिल रहा है तो उस कंपनी को प्रेफर करें। कंपेयर ऑल,
और जितनी भी कंपनी अवेलेबल है उनको सबको कंपेयर करिए। कंपेयर करने से क्या होगा, आपको पॉसिबिलिटी पता लगेगी कि क्या क्या आपको मिल रहा है किस कंपनी से। और ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर इंडिया में ऐसे तो बहुत हैं, चाहे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, बहुत से हैं फ्यूचर रेडी। लेकिन उसमें से जो फ्यूचर रेडी प्लान हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग बिजनेस। चूज एन ISP दैट अंडरस्टैंड द इंटरनेट नीड ऑफ योर डेवलपिंग बिजनेस। जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो आपके डेवलपिंग बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल होगा और किस टाइप का प्लान वो दे रहा है और फर्दर फ्यूचर में वो आपके प्लान को अपडेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उसके साथ आप पार्टनर हो करके आप फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल वो करेगा कि नहीं करेगा आपके सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें आप उसको चॉकआउट कर लीजिए कि फ्यूचर के लिए वो आपकी क्या हेल्प करेगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन फीडबैक, और अगल बगल जो लोग आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनसे आप फीडबैक लीजिए और समझिए कि उनके यहाँ उस आपके एरिया में अच्छे से इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उस कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लीजिए जो अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर कंपनी का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आस्पेक्ट को समझिए और तब आप उसको लीजिए। रूट्स ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, ऐसा ISP प्रोवाइडर होना चाहिए जो ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट हो और ग्लोबल हो, पूरे जगह से कनेक्शन उसमें इजी मिल पाए जिससे कि आप ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट में आ पाइए और ज़्यादा काम कर पाइए। बी प्रोएक्टिव इन ट्रैकिंग डाउन द ISP हु कैन एनहेंस योर इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो धीरे धीरे इंटरनेशनली बढ़ेगा, तो आपको फिर ऐसे ISP प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें और रिलायबल होंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही आपकी का इंटरनेट अनस्टेबल होगा वो आपको तुरंत सर्विस देंगे और डिसरप्टेड इंटरनेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट उनसे कर लीजिए कि हमारा अगर इंटरनेट गड़बड़ होता है तो आप उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करिएगा। SLA आर द सर्विस एग्रीमेंट दैट इज स्पेसिफाई द लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ द कनेक्शन। कस्टमर सर्विस इज डिफाइंड बाय हाउ क्विकली दे कैन असिस्ट यू इन गेटिंग दैट अप एंड रनिंग। कुछ भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आने पर वो कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें चॉकआउट करके आप तभी अनलिमिटेड प्लान को लीजिए और जिसका बेस्ट लगे, जो आपके एरिया के हिसाब से ठीक हो, उसी प्लान को लीजिए, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो या किसी भी कंपनी का हो, जो आपके एरिया को सूट करे, जिसमें आपको अच्छी स्पीड मिले, वो वाला कनेक्शन लीजिए। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि प्लान लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए और चॉकआउट कर लेना चाहिए, और फ्यूचर के लिए अगर वो प्लान आपको सूट नहीं कर सकता है तो कैसे आप एक प्लान से दूसरे प्लान में अपने कनेक्शन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कंसल्ट करिए और तब लीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू माय कम्युनिटी एंड आंसर ऑन फोन। And please support me and press bell to get notification of all upcoming video. Thank you.